चीन बॉर्डर पर गहमा गहमी बनी रहती है। एलएसी पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और हालिया मामले की बात करें तो 31 जनवरी को लद्दाख में पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर चीन के सैनिक कुछ भारतीय चरवाहों से भिड़ गए। वहीं अरुणाचल बॉर्डर पर भी दोनों देशों की सेनाओं में तकरार देखने को मिलती रहती है। ऐसे में एक सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब चर्चा में बना रहता है कि अगर चीन और भारत में जंग होती है तो किस देश की सेना दूसरी पर भारी पड़ेगी। चलिए आपको इस खास वीडियो में इसी सवाल का जवाब देते हैं और बताते हैं कि चीन और भारत में किसकी सेना ज्यादा ताकतवर है। नमस्कार, मेरा नाम है वंश और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। दुनिया के अलग अलग देशों की सैन्य ताकत का आंकलन करने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर की मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग की बात करें तो भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। वहीं इस रैंकिंग में चीन की सेना को तीसरी रैंक पर रखा गया है। ग्लोबल फायर पावर के जारी किए गए ताजा आंकड़ों की नजर डालें तो चीनी आर्मी में 20,35,000 सैनिक हैं, वहीं भारतीय सेना के पास 14,55,550 सैनिक हैं। हर देश की सेना की ताकत उसके डिफेंस के लिए जारी किए गए बजट पर भी निर्भर करती है। ग्लोबल फायर पावर के जारी आंकड़ों के मुताबिक अगर चीनी डिफेंस बजट की बात करें तो चीन ने $227 बिलियन का बजट डिफेंस के लिए जारी किया है। वहीं भारत ने 2024 के अंतरिम बजट में डिफेंस के लिए बजट बढ़ाया है। 2024 अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए $75 बिलियन का बजट रखा गया है। अब आइए दोनों देशों की मिलिट्री उपकरणों की तुलना करते हैं। सबसे पहले तुलना लैंड पावर की करें तो चीन के पास 5,000 टैंक हैं, वहीं भारत के पास 4,614 टैंक हैं। अब बात टोर्ड आर्टिलरी की करें तो भारत के पास टोर्ड आर्टिलरी ज़्यादा हैं। भारत के पास 3,243 टोर्ड आर्टिलरी हैं, वहीं चीन के पास 1,434 टोर्ड आर्टिलरी हैं। एयर पावर की तुलना करें तो चीन के पास कुल 3,304 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 1,207 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। वहीं भारत के पास कुल 2,296 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 606 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। अब बात एरियल टैंकर्स की करते हैं। एरियल टैंकर वो विमान होता है जो हवा में किसी भी फाइटर जेट में ईंधन भरने का काम करता है। चीन के पास 10 एरियल टैंकर्स हैं, वहीं भारत के पास 6 एरियल टैंकर्स हैं। हेलीकॉप्टर की बात करें तो चीन के पास 913 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें से 281 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। वहीं भारत के पास 869 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें से 40 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। नौसेना शक्ति की बात की जाए तो चीन की फ्लीट स्ट्रेंथ 730 है, जो कि दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है। वहीं भारत की फ्लीट स्ट्रेंथ 294 है, जिसका रैंक दुनिया भर में 8वां है। चीन के पास 61 सबमरीन हैं तो भारत के पास सिर्फ 18 सबमरीन हैं। चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं तो भारत के पास भी 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसके साथ ही चीन के पास 3 हेलीकॉप्टर कैरियर भी हैं, लेकिन भारत के पास 1 भी हेलीकॉप्टर कैरियर इस समय मौजूद नहीं है। इन आंकड़ों से चीन की सेना भारत से ज़्यादा मजबूत भले ही दिख रही हो, लेकिन भारत के खिलाफ जंग में चीन अपनी सारे सैनिक नहीं उतार सकता, क्योंकि उसके कई और भी दुश्मन हैं। चीन सैन्य ताकत के आंकड़ों में चाहे आगे क्यों ना हो, लेकिन भारतीय सैनिकों का जज्बा भी कम नहीं है, जिसकी झलक हमें 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प में देखने को मिली थी। बीते कुछ सालों में कई बार ऐसा हुआ जब कूटनीतिक स्तर पर चीन को भारत से मुंह की खानी पड़ी है। भारत ने चीन को हमेशा ये बतलाया है कि ये भारत 1962 वाला भारत नहीं है। गलवान वाली घटना के बाद भारत ने चीन को 2 टूक शब्दों में कहा था कि हम अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। इसके बाद चीन पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंधों का खतरा मंडराने लगा और बाद में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद मामला शांत हुआ था।